सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोग भी यूट्यूब चलाते हो और यूट्यूब में जो ऑटोमेटिकली वीडियो ऑन हो जाती हैं, यानी कि चलने लगती हैं, यानी कि कोई वीडियो आपने चला ली और एंड वीडियो होने के बाद दोबारा शुरू हो जाती है, उसको आप लोग एक्टिवेट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, आज की वीडियो में मैं आप लोग यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाला हर नया अपडेट आप तक पहुंच रहे। तो क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखना राइट हैंड साइड में आपकी प्रोफाइल मिलती है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से इसको, और यहाँ पर देखना सेटिंग्स, इस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। इसके बाद यहाँ पर देखना है ऑटो प्ले, इस पर क्लिक करेंगे। ऑटो प्ले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑफ होता है तो इसको ऑन करेंगे। ठीक है, और कोई वीडियो आती है और वीडियो पूरी ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली वीडियो दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से ऑटो प्ले को आप लोग यहाँ पे ऑन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं कर पाते तो कोई वीडियो को आपको चूज़ करना इस तरीके से। ठीक है, हम यहाँ पर जो वॉइस है यहाँ पर कम करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑटो प्ले होती है इस तरीके से ऑफ होती है तो इसको ऑन करना इस तरीके से। ठीक है, मैंने ऑन किया, आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो सैम्बल है इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग बड़े आसानी तरीके से आप लोग वहाँ पे ऑटो प्ले को आप वहाँ पे रिमूव कर सकते हो और वहाँ पे ऑन भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। ठीक केयर, बाय।